जो लोग कहते हैं ना कि क्या लगा रही मुंह में, क्या पोत रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मुंह पहले ही से खराब है। तो सबसे पहले दिखा रही हूँ मैं अपने हाथों में प्राइमर, सीरम, ये सब। सबसे पहले ये स्किन केयर का काम करता है, आपका स्किन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आप फाउंडेशन कंसीलर लगाओगे ना, तो आपका स्किन का नुकसान नहीं करने वाला है, ठीक है ना। तो वही है, सबसे पहले क्या लगाइए, टोनर, सीरम, प्राइमर, क्रीम, प्राइमर, ये चार को जरूर अप्लाई करिए फेस में। उसके बाद कोई भी फाउंडेशन, कंसीलर, कलर करेक्टर, ये सब लगाइए। आपका फर्क नहीं पड़ने वाला है फेस पे, आपका फेस खराब नहीं करने वाला है, जैसा है वैसा ही रहेगा आपका फेस, ठीक है ना। तो गाइस आज मैं रेडी हो रही हूँ धनतेरस के लिए, मार्केट जाने वाली हूँ तो उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो सब देख रहे हैं, स्किन केयर करने के बाद मैं कलर करेक्टर की हूँ, ऑरेंज ग्रीन कलर करेक्टर अप्लाई कर चुकी हूँ अपने फेस पे। तो उसको मैं अपने फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ, मतलब ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा मेरा जितने भी मेरे फेस में मतलब झाइयाँ या थी छोटा छोटा वो होता है तील, मुहास, ये सब है ना, उससे हल्का सा मतलब कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा बच जाएगा कलर करेक्टर से, तो उसके बाद में कंसीलर से कवर कर रही हूँ, ठीक है ना। देख रहे हैं ना कितने कोट दे रही हूँ मैं, ये कितने लेयर दे रही हूँ मैं इस दाग धब्बे को कवर करने के लिए, ठीक है ना। तो कंसीलर से उसके बाद मैंने कवर किया सारे दाग धब्बे को कलर करेक्टर से यूज करने के बाद, ठीक है ना। देख सकते कितना फेस साइन कर रहा है, ये सब यूज करने के बाद फेस इतना साइन करता है ना, जितना बिना मेकअप का भी नहीं करता फेस हमारा साइन। तो ये सब क्रीम और सीरम और प्राइमर का कमाल है, ये सब अप्लाई करिएगा ना, उसके बाद ये ऐसे मतलब फेस पे आपका साइन आएगा। तो फिर मैं हाइलाइटर कंसीलर दोबारा मतलब दूसरा हाइलाइटर कंसीलर यूज कर रही हूँ फेस पे, थोड़ा सा फेस डार्क लग रहा था, ठीक है ना। तो ये लगाने के बाद मैं बताऊंगी कि और मैंने क्या क्या यूज किया। देख सकते हैं नेक पर भी मैंने मेकअप किया है, नेक पर अलग दिख रहा था, फेस मेकअप हो गया था। तो थोड़ा सा मतलब मेकअप जो फाउंडेशन कंसीलर करेक्टर ये सब अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा आपको 5 मिनट छोड़ देना है, ताकि थोड़ा सा सूख जाए, ड्राई हो जाए आपका फेस, थोड़ा सा मतलब सूख ले। तो सूखने के बाद ये देख सकते हैं पॉन्स पाउडर मैंने लिया है वाइट कलर का, तो इससे मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ। तो इस मेरे पास ऐसा नहीं कि लूज पाउडर नहीं था, लेकिन लूज पाउडर जो है मेरा स्किन टाइप का है, तो मुझे वाइट पाउडर से करना था, थोड़ा तो सा डार्क मेकअप हो गया था, एकदम स्किन टाइप का मेकअप हो गया था, ऐसे लगता नहीं, लग नहीं रहा था कि मेकअप मैंने किया। तो थोड़ा सा वाइट पाउडर दे दीजिएगा ना, तो थोड़ा सा लाइट बढ़ जाएगा आपका फेस। तो ये हो गया आपका बेस कंप्लीट। तो गाइस देख सकते हैं कितना सुंदर मेकअप बेस बन के तैयार है, बिल्कुल मेरे दाग धब्बे नहीं दिख रहे हैं फेस में, मतलब जितने भी पिगमेंटेड है और झाइयाँ हैं ये सब नहीं दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं उसके बाद मैंने पाउडर से सेट करने के बाद मैं ये ब्लश लगा रही हूँ। डे डे का मेकअप है तो लाइट होना ही चाहिए, लाइट मेकअप, तो लाइट ब्लश लगा रही हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं कर रही हूँ ताकि किसी को पता भी ना चले गाइस। तो नोज कंटूर कर रही हूँ, तो पहले तो कंटूर नहीं होता था पहले का जो मेकअप था, ठीक है ना, अब तो कंटूर भी हो रहा है, ब्लश भी हो रहा है। आपका जैसा फेस है ना, जैसे कि आपका फेस है पतला सा, तो उस पर ज़्यादा मतलब कंटूर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा फेस देख रहे हैं गोल मटोल, तो इस पर ऐसी कंटूर की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद मैंने मेकअप को फिक्स कर दिया मेकअप फिक्सर से। तो मेकअप फिक्सर से फिक्स करने के बाद मैंने हाइलाइटर को यूज ही नहीं किया, मुझे डे मेकअप में हाइलाइटर अच्छा नहीं लगता है, गजब सा मतलब चमक, पास से कोई देखता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो उसको स्किप कर दिया मैंने, केवल नोज पे मैंने हाइलाइटर लगाया, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा लगता है, दूर से साइन मारता है तो आपका नोज चौकीला टाइप का दिखता है।
तो गैस चलिए आई मेकअप की तरफ चलते हैं। आई मेकअप एकदम सिंपल सा रखेंगे, एकदम बिल्कुल सिंपल सा। नीचे मैंने काजल अप्लाई कर लिया, अंडर मतलब वाटर लाइन के अंदर भी और बाहर भी मैंने अप्लाई कर लिया काजल। तो मैंने वाटर लाइन से स्टार्ट की हूँ मैं ये मेकअप ट्यूटोरियल, आई मेकअप। तो ये सब काजल वाला स्मोच करने के बाद मैं थोड़ा सा बिंग निकाल रही हूँ। तो इस तरह से करिएगा ना तो अच्छा लगता है देखने में, आप आपका आई अच्छा लगता है, आपका बेस अच्छा लगता है, आपका फेस अच्छा लगता है। इस तरह से अगर आई मेकअप करोगे तो मेरे देख रहे हैं ना मेरे आंखें कितनी छोटी लग रही है। तो उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। तो आउटर जो कॉर्नर है ना उसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है नीचे वाले वाटर लाइन के काजल के साथ। तो मस्कारा अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं कितने सुंदर डे आई मेकअप एकदम सिंपल सा रेडी होके तैयार है। तो उसके बाद आता है लिप मेकअप ट्यूटोरियल। लिप का भी तो कितना सुंदर लग रहा है बंद करने के बाद ये आंखें। तो ऐसे कर सकते हैं आप आई मेकअप। तो उसके बाद मैंने ये डार्क ब्राउन मैंने लिपस्टिक शेड लिया है, जो कि इसका जब मैं अप्लाई करती हूँ ना खोल के इनसाइड का है तो एकदम चॉकलेट जैसा इसका सुगंध आता है गाइस। तो इसको मैंने अप्लाई कर रही हूँ हल्का सा, मतलब इसको हल्के से अप्लाई करना है। ज़्यादा लोगे ना तो ज़्यादा डार्क ही अप्लाई हो जाता है। तो इसको अप्लाई कर लेना एकदम अपने लिप लाइनर अप्लाई कर ली थी मैंने पहले ही आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई की। तो ये मेकअप ट्यूटोरियल आप सबको कैसा लगा हेयर स्टाइल बनाने के बाद? ये हेयर स्टाइल भी आप सबको कैसा लगा? ये हेयर स्टाइल आपको चाहिए तो मैं ज़रूर आपको दूंगी। पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि ये हेयर स्टाइल पे वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। Mami,